नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं द बेबीलोनियन स्टोरी ऑफ क्रिएशन। उम्मीद करती हूं आप सब ये कहानी घर से ही सुन रहे हैं और स्वस्थ हैं। ये उस वक्त की बात है जब किसी भी चीज का कोई नाम नहीं था। ये आकाश नहीं था, ये धरती नहीं थी, ये सूरज चांद तारे भी नहीं थे। तब दो महासमुंदर थे, एप्सु मीठा पानी का समुंदर और तियामत खारा पानी का समुंदर। जब ये दो समुंदर एक साथ मिल गए तो उस पानी से दो देवताओं का जन्म हुआ, लहमु और लहमु। और इन दोनों ने मिलकर तीन महान देवताओं का सृष्टि किया, एंशर, किशर और एनु। और इन देवताओं के बाद सृष्टि हुआ महान इया और उनके भाइयों का। इया और उनके भाइयों को जरा भी चैन नहीं थी, वो दिन रात समुंदर के पानी को उथल पुथल करते थे। एप्सु और तियामत को बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। उन दो समुंदरों ने मिलकर देवताओं से प्रार्थना की ताकि वो समुंदर के पानी को थोड़ा शांत रखे, मगर शक्ति के घमंड में आकर इया ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। तब एप्सु ने तय किया कि समुंदर में शांति वापस लाने का एक ही उपाय है, इया और उनकी भाइयों का खात्मा करना। उसने प्राचीन देवताओं से इस बारे में आलोचना की, मगर इया को इस बात की भनक लग गई और उसने एप्सु को मार डाला। जब तियामत को इस बात का पता चला वो दुख और क्रोध से पागल हो गई। इया और उसके भाइयों को मारने के लिए वो अपनी कोख से भयानक राक्षसों को जन्म देने लगी। एक एक करके ड्रैगन्स, डीमन्स, सांपों और बिच्छुओं का जन्म हुआ और इन सबका जो प्रधान हुआ उसका नाम हुआ किंगू। किंगू ने तियामत के बदले को पूरा करने के लिए इया और उसके भाइयों के पास इस भयानक सेना को ले गई। इस बात का पता लगते ही इया और देवी जामकीना ने मिलकर देवता मार्डू का सृष्टि किया। विशाल मार्डू की आंखों से बिजली निकलते थे और जब वो बात करते थे उनकी मुंह से आग निकलती थी और उसे किसी भी बात का डर नहीं था। सारे देवता मार्डू को देखकर डरकर कांपने लगे और इया ने उसे आने वाली युद्ध के बारे में बताई। मार्डू ने मदद के लिए हाँ कर दिया, मगर एक शर्त पर। वो युद्ध में उन देवताओं का साथ तो देंगे, मगर युद्ध खत्म होने के बाद वो उन सब पर राज करेंगे। देवताओं ने इस शर्त को स्वीकार लिया। मार्डुक ने चारों दिशाओं से हवाओं का आवाहन किया और हवा की गति से अपने चार घोड़े वाले रथ पे सवार होकर तियामत की तरफ आगे बढ़ने लगे। तियामत ने यह देखकर अपने पानी से एक विशाल ड्रैगन का जन्म दिया। उस ड्रैगन ने मार्डुक को निगलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, मार्डुक ने उसके अंदर एक तूफान को जाने का आदेश दिया, जिसकी वजह से पानी का ड्रैगन अंदर से टूटने लगा। इससे पहले कि तियामत और कुछ कर पाती, मार्डुक ने अपनी तीर से उस ड्रैगन को दो हिस्सों में काट दिया। मार्डुक ने उस ड्रैगन के आधे हिस्से से आसमान का निर्माण किया और बाकी आधे हिस्से से जमीन का। इस युद्ध के बाद वो सारे देवताओं का राजा बन गए और किसी ने भी इसके खिलाफ सवाल नहीं उठाया। धीरे धीरे उन्होंने चांद का, तारों का निर्माण किया और अपने आप को सूर्य में परिवर्तित करके आसमान में रहने लगे। कुछ समय बाद उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों के हड्डी से मारु ने एक जीव की सृष्टि किया और उस जमीन की मिट्टी से उसमें जान डाली ताकि ये जमीन में रहकर धरती की देखभाल कर सके, और ऐसे ही इंसानों का सृष्टि हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।